Good morning class, this is our new genetics class in which today we will study about another important topic of genetics, that is cell division and cell cycle. भाई हम जब जेनेटिक्स को समझना ही चाहते हैं तो हमारे को सेल डिवीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल डिवीज़न में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर हमारे को जीन्स पढ़ने हैं, डीएनए पढ़ने हैं, और डीएनए का सिंथेसिस भी जो है वो सेल साइकिल के अंदर एस फेज में हो रहा होता है, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था. तो इन सब चीज़ों को अपन अच्छे से समझ लें कि क्या होता है, कैसे होता है. हालांकि आप ये सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, पर क्योंकि आपके सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक आता है तो हमें पढ़ना है. तो देखिए, हमारे को सबसे पहले पढ़ना है कि भाई सेल क्या होती है. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनकी बेसिक यूनिट सेल है. सेल बोन्स, मसल्स, स्किन्स और ये सब ब्लड वगैरह बनाती हैं. जितने प्लांट्स हैं उनमें भी सब सेल्स की चीज़ें बनी हुई होती है. ऑर्गेनिज्म तभी ग्रो होता है जब उसकी सेल रिप्रोड्यूस करती हैं, तभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है. सेल्स को हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल. इसी के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको अपन यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं. सेल का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही होती है. हर एक सेल का अपना खुद का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. अब यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमें तो यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है, हम तो ह्यूमन बॉडी पढ़ना चाह रहे हैं, तो यूकैरियोट जो होते हैं वो अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न भी करते हैं और दूसरे ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि सेल डिवीज़न का प्रिपरेशन हो सके. उसके लिए इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है. सेल डिवीज़न का प्रिपरेशन मतलब माइटोसिस मियोसिस के लिए सेल जो है वो प्रिपेयर रह सके. न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उससे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो रेप्लिकेट होगा, जिसको अपन डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, मतलब डबल होएगा. जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन करता है. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेल डिवीज़न से पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और न्यूक्लियस के डिवीज़न से पहले जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, केवल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. प्रोकैरियोट सिंपली डिवाइड करती है अपनी सेल्स को दो पार्ट में बाइनरी फिशन के द्वारा. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए हमारे सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम वगैरह से जुड़ी हुई. जैसे स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये फिलामेंट्स का एक नेटवर्क है जो कि डिवाइडिंग सेल्स के पोल्स से इनवर्ड एक्सटेंड करता है और स्पिंडल शेप बना लेता है, स्पिंडल शेप्ड का फिगर बना लेता है. वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, धागे नुमा. आगे डायग्राम भी इसका आएगा जहां आप देखेंगे. दूसरा होता है सेंट्रोमियर, ये कंडेंस्ड होता है, क्रोमोसोम का एक कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन होता है. कंडेंस्ड क्रोमोसोम का एक कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं माइटोसिस के दौरान, वो सेंट्रोमियर कहलाता है. क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक कॉम्प्लेक्स है. न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स में प्राइमरली हिस्टोन्स का एक कॉम्प्लेक्स है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसको अगर आप स्टेन करेंगे तो बेसिक डाई से अच्छे से स्टेन हो जाता है. ये कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाता है सेल डिवीज़न के दौरान. कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाता है क्रोमेटिन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है. दूसरा क्रोमेटिड दो डॉटर स्ट्रैंड्स में से एक ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के दो डॉटर स्ट्रैंड्स में से दो डॉटर स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो कि सिंगल सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं और सेल डिवीजन दौरान ये सेपरेट होंगे और एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाएंगे, तो उसको अपन क्रोमेटिड कहते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जीन्स को कैरी करते हैं. जीन कैरिंग की बॉडी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है.
क्रोमोसोम्स प्राइमरीली डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये केवल सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस में मैग्निफिकेशन के दौरान दिखाई देते हैं। ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हर एक सोमैटिक सेल में होते हैं और 23 इन ईच सेक्स सेल में 23, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर होता है सेक्स सेल्स में, और सोमैटिक सेल में डिप्लॉइड नंबर यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ये वो प्लेन है जिसमें सभी सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं और उनके स्पिंडल अटैच रहते हैं माइटोसिस की मेटाफेज के दौरान। काइनेटोकोर फाइबर्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर में, स्पेशलाइज रीजन्स होते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। अब ये रही अपनी सेल साइकिल। देखिए, सेल जिसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है उसमें सेल साइकिल चलती हुई दिखाई गई है। सबसे पहले जीवन फेज आगे बढ़ेगी तो एस फेज आएगी जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, वो आगे बढ़ेगी। G2 फेज आएगी जहाँ पर सेल जो है वही सेल विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के साथ में ये सेल है G2 फेज में आगे बढ़ेगी। जब ये तो क्रोमोसोम का सेपरेशन होएगा और माइटोसिस होएगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होएगा और उसी से ही सेल डिवीज़न होगा और फिर आगे बढ़ेगी तो वापस जीवन फेज आ जाएगी। सेल साइकिल एक इवेंट है जिसके अंदर नई सेल्स को बनाता है सेल डिवीज़न के द्वारा। सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है जिसमें सेल डिवीज़न के द्वारा नई सेल्स बनती है, जिसमें 6 प्रोसेस होते हैं: इंटरफेज, माइटोसिस, हिप्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस के दौरान के बीच में माइटोसिस की 4 फेजेस चलेंगे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इससे ये पूरी सेल साइकिल बनी हुई है। अब सबसे पहली फेज है इंटरफेज, जिसमें सेल रेप्लिकेट करती है न्यूक्लियर डीएनए के साथ में, एंश्योरिंग दैट When does it divide at the end of mitotic phase? Each of the newly, जब ये mitotic phase के end में divide होता है, ये interphase क्या है भाई? जब cell अपने nuclear DNA साथ में replicate करती है तो वो ये ensure करती है हर एक mitotic phase के end में कि हर एक जो नई daughter cell बन रही है उसमें full set of gene हो। ये इंश्योर करती है इंटरफेज के दौरान, इसको अपन रेस्टिंग फेज कहते हैं ना, तो ये इंश्योर कर रही है कि भाई फुल सेट ऑफ जीन है ना, इससे पहले कि वो जो डॉटर सेल बनी है उसके अंदर फुल सेट ऑफ जीन होने चाहिए इससे पहले कि आगे कोई और प्रोसेस चले। तो माइटोटिक फेज के एंड में नई डॉटर सेल जो बनी होती है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि फुल सेट ऑफ जीन है। अब इसके बाद स्टार्ट होएगा माइटोसिस। माइटोसिस वो मैकेनिज्म है जिसमें सेल का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और हर एक डॉटर सेल को कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है सेल्युलर डिवीजन के दौरान। साथ में साइटोकाइनेसिस भी चलेगा यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा, भाई पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन। अकर्स इन ऑल मल्टी सेलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परमिट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो माइटोसिस है ये सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये पूरा प्रोसेस आवश्यक है, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों। अब ये फेजेस जो हमने पढ़ी थी, प्रोफेज देखिए भाई आप, ये इसमें क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर और ये सेंट्रियोल है। मेटाफेज के दौरान ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए हैं, किनारे पर सेंट्रियोल है अपने एस्टर के साथ में और इससे निकलते हुए ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। एनाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और टीलोफेज के दौरान दोनों अच्छे से डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स का पेयर बना लेते हैं। हम सबसे पहले इंटरफेज आपको दिखाई दे रही है कि डायग्राम आप अच्छे से देखिए। इस इंटरफेज के दौरान आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 पेयर्स के सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में और न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियोलस है अंदर, क्रोमैटिन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इंटरफेज है जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट फेज पढ़ें,
प्रोफेज जो है फर्स्ट माइटोटिक स्टेज होती है, जिसमें न्यूक्लियोलस तो फेड यानी हल्का हो जाता है, और क्रोमेटिन जो है जिसके अंदर रेप्लिकेटेड डीएनए है और प्रोटीन भी है वो कंडेंस्ड हो जाएगा और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो प्रोफेज वो स्टेज है जिसके अंदर आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे रॉड शेप्ड स्ट्रैंड के रूप में, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए आपको एकदम क्लियर क्लियर दिखाई देंगे। हर एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स से मिलकर के बना होता है, और ये दोनों जो हैं सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। फिर इसमें धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी और सेंट्रियोल्स का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा प्रोफेज के दौरान। ये प्रोफेज आपको साफ दिखाई गई है, ये क्रोमोसोम इसमें दिखने लगे हुए। देखो इंटरफेज में हमने देखा था कोई क्रोमोसोम वोमोसोम कुछ नहीं थे, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा था, क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई दे रहा था। इसमें न्यूक्लियोलस तो फेड हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा, और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस्ड होकर के उसने क्रोमोसोम का रूप ले लिया है। तो प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम साफ दिखाई देते हैं। अब देखो ये इसके आसपास नाम भी लिखे हुए हैं, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल बहुत हल्के रंग से नाम दिख रहे हैं आपको। ये बीच में जो क्रोमोसोम क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटेड हैं, ये नाम हल्के हल्के हैं। देखो इसको बड़ा करके देखो दिखेगा ये आपको, ये सेंट्रियोल, ये एस्टर्स दिखाए गए हैं, ये रियल पिक्चर है प्रोफेज एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाइए मेटाफेज के अंदर, इसमें जो न्यूक्लियर एनवलप है वो टूट जाता है, लार्ज प्रोटीन नेटवर्क जिसको आप स्पेंडल कह रहे हैं, हर एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम जो है अब एक अलाइंड हो जाते हैं, परपेंडिकुलरली अलाइंड हो जाते हैं, मेटाफेज पर अरेंज हो जाते हैं ना मेटाफेज प्लेट के ऊपर, तो अलाइंड हो जाएंगे परपेंडिकुलरली स्पिंडल से, स्पिंडल के परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन मेटाफेज कहते हैं। तो मेटाफेज में क्या हो जाता है, एक्चुअली सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल मूव कर जाएंगे, द क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर एंड अरेंज इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंट्रल पोर्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और ज़्यादा। इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रेडिएट होते हैं सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर तक, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक, सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर तक माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होंगे। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपन क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स के परपेंडिकुलरली अरेंज हो गए क्रोमोसोम, ये मेटाफेज है, ये दिखाई दे रहे हैं भाई, स्पिंडल तो ऊपर नीचे दिख रहे हैं और ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज हुए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस वन इज द रियल पिक्चर, यू कैन सी इजीली। नाउ नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज जो है वो क्रोमेटिड्स जो स्प्लिट हुए हैं उसके हर पेयर के सेंट्रोमियर से शुरू होती है, इफेक्टिवली इसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। जैसे ही सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाती है, अपना खुद का सेंट्रोमियर ले लेती है और दूर दूर जाने लग जाती है सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ। ये जो मूवमेंट है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा चल रहा होता है, काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो हर एक सेंट्रोमियर पर अटैच रहते हैं और छोटे होने शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। उसी समय पोलर माइक्रोट्यूबल जो है वो सेल के अपोजिट एंड से क्रॉस ब्रिज बनाती है इक्वेटोरियल प्लेन में, और पोल को एक दूसरे से अलग अलग खींचना शुरू कर देती है और लंबी हो जाती हैं। ये एनाफेज है, ये डायग्राम देखिए। तो हमने कहा सेंट्रोमियर डिवाइड वर्टिकली एंड टू डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, सेंट्रोमियर वर्टिकली डिवाइड हो गए जिससे दो क्रोमोसोम्स बन गए हैं, द न्यू क्रोमोसोम मूव टू द पोल ऑफ द सेल बाय द एक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के एक्शन की वजह से जो नए क्रोमोसोम्स हैं वो पोल की तरफ खींचने शुरू हो जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ फरो इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन पे फरो बन जाएगी, ठीक है। एंड दिस वन इज द रियल पिक्चर। नाउ टीलोफेज, लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम जो है स्पिंडल पोल्स पे अराइव होने लग जाते हैं, कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बननी शुरू हो जाएगी, पहले तो गायब हो गई थी अब वापस बननी शुरू हो जाएगी अपोजिट सेल के अपोजिट एंड पर।
हरे क्रोमोसोम्स के चारों तरफ क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब टीलोफेज कंप्लीट होती है तो न्यू सेल मेम्ब्रेन बन रही होती है। फाइनल स्टेप टीलोफेज में है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लीवेज होना शुरू हो जाती है बिटवीन ईच ऑफ द न्यू डॉटर सेल। हर एक न्यू डॉटर सेल के बीच में क्या बन जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। अल्टीमेटली दो सेपरेट सेल्स बन जाती हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान, और सेल डिवीजन की नेक्स्ट फेज शुरू हो जाती है। दिस इज द डायग्राम, ये देखिए क्लीवेज फरो बन रहा है यहाँ पर। तो इन दिस फेज द फरो इन द इक्वेटोरियल प्लेन, क्योंकि बीच में बन रहा है फरो, देखिए इन द इक्वेटोरियल प्लेन फर्दर डीपन्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। ये फरो क्लीव करने वाला फरो बन रहा है जो कि आगे आगे डीप 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 होता जाएगा, ताकि डॉटर दो डॉटर सेल्स बन सके विद टू इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ द क्रोमोजोम। क्योंकि देखिए ऊपर भी क्रोमोजोम है, नीचे भी क्रोमोजोम्स है, तो दो क्रोमोजोम्स की इंडिविजुअल कॉपी को लेते हुए जो है दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। इसमें क्रोमोजोम जो है अपीयर एज क्रोमेटिन नेटवर्क विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि आपको चारों तरफ देखो क्रोमोसोम की तरफ गुलाबी गुलाबी सी लाइनें दिखाई दे रही है, जो कि क्या बनाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगी। तो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स भी प्रोड्यूस हो गई। दिस वन इज द रियल पिक्चर ऑफ टीलोफेज। खत्म भाई, टीलोफेज पूरी हो चुकी है। तो अब अपन साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं। ये फाइनल स्टेज है सेल डिवीजन की। माइटोसिस की तो अपन ने टीलोफेज पढ़ ली फाइनल स्टेज, अब सेल डिवीजन की फाइनल स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में तो कैरियोकाइनेसिस हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, अब सेल डिवाइड हो रही है विच यूजुअली बिगिन्स ड्यूरिंग द लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, या अर्ली टीलोफेज में आप कह दीजिए कि शुरू हो जाता है माइटोसिस एंड होने से पहले। न्यूक्लियर एनवलप इसमें पूरी तरह से बन जाएगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड हो जाएंगे। इस स्टेज के दौरान साइटोप्लाज्म अच्छे से डिवाइड हो जाता है। ये एनिमल के अंदर माइटोसिस आप देख सकते हैं। बस खत्म। अब इसके बाद मैं आपको मियोसिस बता दूं थोड़ा, आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। अलग से मैं इसके ऊपर नहीं वो टाइम वेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि इजी टॉपिक है। माइटोसिस मैंने आपको समझा दिया, मियोसिस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या होता है मियोसिस, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन सीन इन द गैमेट्स। केवल गैमेट्स में सेल डिवीजन चलता है स्पेशल टाइप का। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन्स। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस वन मियोसिस सेकेंड। ईच डॉटर सेल एट द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ही कोई डॉटर सेल अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जस्ट आधा रह जाता है, यानी 23 क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर, क्योंकि आधा रह गया उसको अपन हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड नंबर। दिस हैप्लॉइड नंबर इज मेंटेन्ड इन द सेल इन मियोसिस सेकेंड, और यही हैप्लॉइड नंबर मियोसिस सेकंड में भी मेंटेन रहता है, मतलब वहाँ कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, डिप्लॉइड नंबर नहीं बनेगा। द मियोटिक सेल डिवीजन आल्सो हैज सिमिलर फेजेस लाइक दैट ऑफ माइटोटिक डिवीजन विद सम डिफरेंसेस। इसकी भी फेजेस एकदम माइटोसिस की जैसी ही होती हैं, बस कुछ एक डिफरेंस इसके अंदर पाया जा रहा होता है। मियोसिस फर्स्ट में जैसे वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होंगी, पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसकी जो प्रोफेज होती है, द प्रोफेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन इज प्रोलॉन्ग्ड एंड इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। भाई प्रोफेज की जो मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि उसमें 5 एक्स्ट्रा फेजेस चल रही होती है, लैप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, उसके अलावा वही सेम चलेगा जैसा मेटाफेज हुई थी, एनाफेज हुई थी, टीलोफेज हुई थी, एकदम सही सही वैसी वैसी सेम सेम चलती रहती है। बे लैप्टोटिन में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं, अल्टरनेट थिक और थिन पोर्शन इसमें दिखाई देंगे, और ये ब्रीडेड अपीयरेंस दे देती है क्रोमोमियर्स को। ब्रीडेड अपीयरेंस होती है जिसको अपन क्रोमोमियर्स कहते हैं, ये लैप्टोटिन है। जायगोटिन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स में पेयरिंग जो है वो शॉर्ट आर्म की टिप पर होती है। पैकाइटिन जो है वो टाइटली कॉइल्ड हो जाती है, इसमें क्रोमोसोम्स और काफ़ी गहरे रंग के दिखाई दे रहे होते हैं, और दो क्रोमेटिड्स के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। डिप्लोटीन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन हो जाता है इन क्रोमोसोम्स का, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट हुए बिना ये लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाएंगे। ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो हरे क्रोमोसोम्स के साथ में रहेंगे, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं। डायाकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं वापस से, और वापस से डीप स्टेनिंग ले लेते हैं। ख़त्म।
फिर मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज वैसी की वैसी है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ अभी जो अपन ने पढ़ी थी वैसी ही है। मियोसिस सेकंड जो है दिस रिजेंबल्स माइटोटिक डिवीजन विद टू मेन डिफरेंसेस, एकदम माइटोसिस की जैसी है। अलग क्या है इसमें, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन इन दिस पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन एंड दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन इमीडिएटली फॉलोज मियोसिस फर्स्ट विदाउट एनी इंटरफेस। पहला तो इसके अंदर सेल डिवीजन में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, और दूसरा ये बिना इंटरफेस फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट के बाद वापस चलनी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड स्टेजेस पाई जा रही होती हैं। ख़त्म। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टूडेंट्स मियोसिस आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, जनरल मैंने समझा दिया।